हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, मैं तहे दिल से आपके सामने नमन करता हूँ। आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा, प्रकृति के रूप में हमेशा हमें तोहफे दिए, पेड़ पौधे हवा पानी हमारी सारी जरूरतें पूरी की, मुसीबत आने पर हमें बचाने के लिए हथियार तक उठाया और फिर हमें ही राजा बना दिया और कभी इस बात का घमंड नहीं किया। आज मैं भी वादा करता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं भी रक्षा करूँगा इस जंगल की, इस प्रकृति की, और पूरे गांव में नाम तुम्हारा ही होगा, क्योंकि जंगल की माँ ने ही मुझे ये सद्बुद्धि दी है। खुद अपने आप को समर्पित कर दूंगा, मैं समर्पित कर दूंगा। बालाजी स्पीड बढ़ा दी। सुना है यहाँ पर शेर घूमते हैं बाबू। शेर पैक मार कर सो गया होगा, थोड़ा आराम से ही चलिए। ठीक है। ये क्या है? ये ड्राइविंग लाइसेंस है सर, और ये आरसी है सर। नीचे थैली में क्या है? सर ये मेरी जायदाद के पेपर है सर। और नहीं तो क्या सर, परसों ही तो चेक किए थे ना, अब दोबारा क्यों चेक कर रहे हैं सर? परसों हमने देखा था, आज वो लोग देख रहे हैं। आप लोग अलग अलग है क्या सर? आंखें फूट गई है क्या? हम पुलिस वाले हैं, वो एक्साइज वाले हैं। सॉरी सर। सुनो राम जी, उसके साथ गप्पे क्या लड़ा रहे हो? खोल कर देखो, नाच उठेगा। क्या सर, वो कोई डांसर है जो नाच के दिखाएगी? सीमेंट भरी है, खोलेंगे तो धूल उड़ेगी। ए तू निकल। थैंक यू सर। चल मैं गाड़ी निकाल। जाने दो। क्या हुआ राम जी, लगता है थकान हो रही है। क्या भाव आप भी, बहुत ड्यूटी कर ली, चलो चाय पीकर थकान उतारते हैं। ए निकल यहाँ से। ए सुनो, उस गाड़ी को चेक करो। ए, स्टॉप, रुको रुको। सर लाइसेंस। ये लो सर। कहाँ से आ रहे हो? गोवा से आ रहे हैं सर। और जाना कहाँ है? कोल्हापुर सर। आधी रात को इस रास्ते से क्यों? हाईवे से जाना था ना। मेरे सर को जंगल का रास्ता पसंद है, इसीलिए। जंगल के साथ ये माल भी पसंद है। सर सर सर, दरवाजा मत खोलिए। तेरी तो, किसने गिराया मुझे? किसने? मैंने बे। मैंने ही गिराया। क्या करेगा तू? कोई तोप है क्या तू? मैं तोपी हूँ, क्या करेगा बे तू साले? बोला वो गाली देता है। ए, लातों हाथ उठाएगा। ए, चले हट रे।
खाम खा आम लोगों को परेशान करता है। छोड़ मेरे बाबू को छोड़ दो। तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। क्या समझ रखा है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ, बच के नहीं जाएगा तू। सर कोई दारू पी के आया है सर, हम उसे पकड़ने गए तो हमें बुरी तरह मार रहा है सर, आप जल्दी आइए सर। सर समझने की कोशिश कीजिए, उन्होंने दारू पी रखी है। सोने को बोल, पुलिस वालों पे हाथ उठाएगा। तेरी तो जल्दी आइए सर, सर जल्दी आइए सर, सर आप कहाँ हैं सर? सर लाइट बंद कर। ए, कौन है तू? हाँ तेरी तो कौन है तू? सरद भीमला नायक, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, राधा नगरी तहसील, कोल्हापुर मंडल, महाराष्ट्र। पिन कोड का पता नहीं चलेगा ना? चेक पोस्ट है क्या? क्या बालाजी बताया क्यों नहीं? नशे में धुत है सर। नशा उतर गया पर घमंड नहीं उतरा। ए रामस्वामी जरा फोन ले इसका। ए मोबाइल दे, चल दे। ए सुदर्शन जरा बैठा इसे। ए चल। ए चल चल। यूनिफॉर्म पहनने के बाद अपने ईगो को घर छोड़ कर आओ। रूल तोड़ेगा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। उठा उठा। अरे कोई पैसे वाला है, लफड़ा कर रहा था इसलिए उठा लाए। सर सर ये आर्मी से रिटायर्ड है, दारू भी कोटे में खरीदी। ड्राइवर है, इनको बता के क्या फायदा? शक्ति दो से बिना धोती के नहीं चलेगा क्या? नंगा तो नहीं छोड़ा ना? चलूंगी पहन, मुझे शर्म नहीं आती, मैं ऐसे ही रहूंगा। पर हमें आती है। अंदर लेडी कांस्टेबल्स हैं, पहन कराओ जल्दी। अबे ओ नाम क्या बताया? डैनी, डैनियल शेखर। तेरा नाम क्या है? भीमला, भीमला नायक। क्या देख रहे हैं? मेरा नाम ही काफी है। टाइम नहीं है, जल्दी अंदर आ। सुदर्शन दिखाओ। यस सर। सर यही फाइल है। ओए चलना। क्या रे तमीज नहीं है क्या? 3 महीने से। लॉकअप कहाँ है? उसकी जरूरत नहीं है, वहां जाके बैठ। गलत सर, मुझ जैसे बड़े क्रिमिनल्स को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हथकड़ी पहना के अंदर ले चल। बेगार में गुस्सा मत दिला, बैठ जा। बता अरेस्ट क्यों किया? स्टेट के बॉर्डर पर एक बोतल दिखाई दे जाए तो अंदर कर देते हैं, तू तो पूरी की पूरी दुकान उठा लाया है। बेटा अरेस्ट नहीं तो क्या, सैल्यूट करके सम्मान करूंगा तेरा। बॉर्डर कौन सा क्रॉस किया? मैं कोल्हापुर जा रहा था, वो महाराष्ट्र में ही है ना? कोल्हापुर महाराष्ट्र में ही आता है, लेकिन तुम कर्नाटक बॉर्डर से आ रहे थे तो टेक्निकली तुम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। चल बैठ जा। इसके पीछे इतनी टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, ये अपन को नहीं मालूम था। ऐसे बहुत लॉ है जो तू भी नहीं जानता। तू ही बता दे। बेटा इस स्टेट में एक इंसान 3 लीटर तक दारू कैरी कर सकता है और तू तो पूरे 30 लीटर कैरी कर रहा था। ये भी एक्साइज एक्ट 1949 सेक्शन 8 के मुताबिक पनिशेबल ऑफेंस। और तूने एक्साइज ऑफिसर्स को असॉल्ट करने का क्राइम किया सेक्शन 50A। ड्यूटी पर रहने वाले पुलिस पर हाथ उठाया आईपीसी 353। धमकी दे रहा है क्या मुझे? डरा रहा है क्या? बोलना। ए रामास्वामी। सर जरा एफआईआर तो लिख। स्टेटमेंट और रिमांड रिपोर्ट दोनों 10 मिनट में चाहिए, जरा समझाओ इसे कि नायक का मतलब हीरो होता है। ओके सर। बाइबल और भगवत गीता भी लिख ले। लिख रहे 50A, B, C, D, E, Z तक लिख ले, उसके आगे भी। ए
इसने एक्साइज जीप की लाइट फोड़ी थी ना। हाँ सर। पीडीपीपी एक्ट भी जोड़ो। फॉरेस्ट वालों की गवाही पर साइन लेकर रखो। अब बजाता हूं उसकी। ए पुलिस, तूने जितना भी एक्ट लगाया ना, ये है उसका रिएक्शन। चाय। जब तक हैंग ओवर रहता है तब तक नहीं पीता। थैंक्स। मना कर रहे तो क्यों दे रही हो, यहां लेकर आओ। ए मेरा फोन है, लेकर आ। ये टेलीफोन एक्सचेंज है क्या? थाने में आने के बाद फोन्स और कॉल सब हमारे हो जाते हैं, चाहे किसी के भी हो। ठीक है, बता किसका फोन है। वीवी विनायक। फिल्म डायरेक्टर है ना सर? हाँ। कौन? वो जो एक्शन फिल्म में बनाता वो? तो फिर ये कौन है? वो इस विलन की है और हुलिया प्रोड्यूसर का। ए पहले कॉल कट कर। करता हूं सर, अभी शॉट दे रहे हैं, कट होने के बाद करेंगे। ए ए फोन दे। ए बैठ, बैठो। ए नीचे बैठो, बैठो। हीरोइन कौन है ये देखिए सर। देखता हूं, देखता हूं। हीरोइन का नाम सुनते ही भैया की आंखों में चमक आ जाती है। धोती उतारना, दूसरों का फोन देखना, दूसरों की लाइफ में घुसने की आदत है सनों को। उस पे ध्यान मत दीजिए, आप देखिए। सर ये बार शोर कैसा है? सर उसका फोन चेक कर रहे हैं सर। ये फालतू काम छोड़कर पहले एफआईआर लिखने को कहो। डीजी पाटिल है। वो कौन है सर? कांग्रेस पार्टी का अपोजिशन लीडर है। मतलब पॉलिटिकल टच भी है सर का। ओहो। जेडी पाटिल जिन्होंने एयरपोर्ट बनाया वो। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इन सबको छोड़ो ना सर, कीर्ति का नंबर है नहीं, देखिए ना। कीर्ति का मतलब के ना? देखता हूं, देखता हूं। कामेश्वर राव, कोटेश्वर राव। केटीआर पर्सनल। किसका है बताइए ना। देख रहा हूं। देखो देखो। देख रहा हूं, रुको। वो देख रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? केसीआर। डर गया क्या? वो सीएम का नंबर नहीं है। तुम्हारे आईजी साहब का नंबर है। एक मिनट। हेलो। हाँ नायक बोलो। सर क्या है बोलो। अभी अभी एक को आबकारी केस में अरेस्ट किया है सर। कांग्रेचुलेशंस। तू कपड़े बदलकर सीधे मेरे घर आ जा, यहाँ मेरी बेटी का मेहंदी फंक्शन धूमधाम से चल रहा है। वो एक्स मिलिट्री बता रहा है। फिर डरने की क्या बात है, वैसे भी एक्स मिलिट्री है ना। हाँ पर उसकी पॉलिटिशियन से भी अच्छी जान पहचान है। तो क्या हुआ? उसके पास हमारे आईजी चंदन रॉय का भी नंबर है उसके फोन में। अरे एफआईआर लिख दी क्या नायक? सर आपने मेहंदी नहीं लगाई, लगा दूं क्या? अरे यहाँ पहले ही लग चुकी है, तुम बाद में आ जाओ। एफआईआर लिख दी है। शराब की बोतल मिलने पर इतने लफड़े की क्या जरूरत थी नायक, मुझे समझ नहीं आ रहा। साहब ये लीजिए मिठाई। शुगर है मुझे, फिर भी तुम मिठाई लेकर आई हो दीदी, धन्यवाद। नहीं सर मैं नहीं लिख रहा था, उसी ने मजबूर किया।
ऊपर से एक्साइज और फॉरेस्ट वाले भी तो साथ में थे सर। हाँ वो तो रहेंगे ना नायक, वो रहेंगे, उनका क्या जा रहा है, तुम्हें एफआईआर लिखने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली बहुत टेढ़ा हो रहा था सर, तो फिर मैंने लिख दिया। अभी वो कहाँ पर है? बाहर बेंच पर बैठा है सर। भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे अंदर ले जाकर पंखे के नीचे बिठा दो। सुन रहे हो नायक, उसे छेड़ो मत, आराम से पेश आओ, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? सर सर वो आ रामस्वामी सर, सर का फोन और उनके ड्राइवर का फोन लेकर आऊं। ओके सर। उसकी जरूरत नहीं है, अब इतनी आधी रात को किसको फोन करूंगा। सर अगर कंफर्टेबल लगे तो अंदर आके बैठ जाइए ना। ये लेदर सोफा ही मुझे कंफर्ट लग रहा है सर, प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ ओके चल। बैठिए बैठिए। सिर्फ फोन देखते ही इतनी इज्जत उमड़ आई, अगर उनको कॉल करता तो सल्यूट करता क्या? पुलिस वालों के लिए सल्यूट करना कौन सी नई बात है, हर महीने एक्साइज फॉरेस्ट और हम लोग जॉइंट नाकाबंदी लगाते हैं, आज भी हम वही कर रहे थे, बस तू पकड़ा गया। हाँ तो अरेस्ट करेगा, मैं कोई स्मगलर हूं क्या? तू स्मगलर है मैंने कहा क्या? तूने शुरू से हमारे साथ नॉर्मल बिहेव किया था, जैसे ही सामने कांस्टेबल आया उसे मारा, ठीक है हम तो चुप रह जाएंगे, एक्साइज वालों को भी मारा, अब वो भी चुप रह जाएंगे क्या? तूने भी तो मारा, एक बार नहीं दो दो बार। छोटे को बड़े भाई ने मारा समझ लो। सोते हुए को मारकर खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगा है क्या? एक काम कर, पास में कोई होटल है तो पता। क्यों? बॉडी को आराम मांगता है। मतलब? केस को रफा दफा कर दे, घर जाने का है। अभी घर जाना तो मुश्किल ही है, 10 दिन जेल में भी रहना पड़ेगा। इस केस में तुझे जल्दी बेल नहीं मिलने वाली, जान पहचान के लॉयर को फोन मिला ले। 10 दिन मैं जेल में रहूंगा। अभी यहां से चला गया तो क्या उखाड़ लेगा? अरे बोलना, जानता भी है तूने किसे अरेस्ट किया? हाँ दस दिन जेल में रखेगा साला, थाना ही गायब करवा दूंगा तेरा। क्या हुआ, सांप सूंघ गया? क्या बोला क्या बोला? ठीक है बैठ, बात करते हैं प्लीज। वो क्या है कि वो दारू आपुन की नहीं है, कजिन की बैचलर पार्टी है इसीलिए लेकर जा रहा था, आप उनको छोड़ दे। गाय और शेर की कहानी वाला शेर नहीं हूं मैं, आफ्टर ऑल इंस्पेक्टर हूं। हाँ ठीक है फोन कर ले, कल कोर्ट में लॉयर नहीं मिलने वाला, मुश्किल हो जाएगी। ऐसा क्या? अपन तो अपने रास्ते जा रहा था, कहां आके फंस गया ब्रदर, साला सर फटा जा रहा है। ये ले थोड़ा पानी पी ले, पानी से काम नहीं चलेगा, थोड़ी दारू चाहिए। Can I have a drink, please? Hey, ये पुलिस स्टेशन है, बार नहीं। अरे क्या इतनी बॉटल पड़ी है ना वहां पर? वो सीज की हुई है ना, कानून के खिलाफ है। उसे आप ही ने तो सीज किया है। अरे चार घूंट पी लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? कब से रूल्स रूल्स सिखाए जा रहे हो? एक पैक सर। ये देखो खून, हवलदार ने मुझे मारा नहीं होता तो ये झगड़ा भी नहीं होता। सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरी मां को कैंसर है,
फोर्थ स्टेज। पता नहीं वो क्रिसमस तक बचेगी भी या नहीं। सिर्फ एक ड्रिंक सर प्लीज, साला सर फटा जा रहा है। मेडिसिन समझ कर दे दीजिए प्लीज। सर। हेलो, क्या हुआ नायक, सब ठीक चल रहा है ना वहाँ? हाँ सब ठीक है सर, जैसे आपने कहा था मैंने उसे अंदर ही बिठाया। सब ठीक है सर। सिर्फ एक ही पैक तो मांग रहा हूँ। तो फिर शोर क्यों हो रहा है, चिल्ला क्यों रहा है वो? हाँ सर, चिंता की कोई बात नहीं है सर, हम अच्छे से ख्याल रखते हैं। 20 बोतल रखी है। अरे क्या हो गया सर आपको, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? सिर्फ एक पैक पिला दो आप और हाथ छोड़ना कर सकते हो क्या? जी उसे जो चाहिए उसे दे दो और बात वहीं पर खत्म कर दो। ठंडा पानी नहीं है, चलेगा ना? जो है वही पिएगा, तुम जाओ। सील मैंने किया था और खोल भी मैं ही रहा हूं। ये बाहर किसी को पता चला ना तो तेरे साथ मुझे भी बाजू वाले से मिला लेगा। डालिए ना थोड़ी और, अरे नहीं सील लगाने को कहो, नंबर बदल देंगे। ठीक है सर। ये भी ले जाओ। क्या हुआ, किसे फोन करना है अब तक डिसाइड नहीं किया? हाँ वही कर रहा हूं। एक्चुअली आप उनको नीट जमता है। थैंक्स फॉर द ड्रिंक। मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आईजी को कैसे जानता है? क्यों, ट्रांसफर चाहिए क्या? मैं यहीं पला बड़ा हूं, ट्रांसफर क्यों चाहिए? तो फिर सस्पेंशन ट्राई करो। जोक, छे कॉमेडियन हो। अब सर सर अब कितने बजे है मेडिकल टेस्ट? 9:30 सर। सर वो मेरे बाबू, मैं सुबह आ जाऊंगा। यस सर। सर 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 ए रुक, चल पुलिस स्टेशन में बैठकर शराब पिला दी, शर्म नहीं आई? ऊपर से 15 साल की सर्विस, CIA ने कह दिया तो कर दोगे क्या? मना नहीं कर सकते थे? शादी के भी तो 15 साल हो गए, मैं तुम्हें कुछ कह पाया क्या? खाना भी खिलाती हो, सुनाती भी हो, सीनियोरिटी से फर्क नहीं पड़ता है। बात कोई भी हो घुमा फिरा कर मेरी तरफ ले आते हो। ये वायलेंस मुझे पसंद नहीं है। सामने बैठो, शांति से बैठकर बात करेंगे। वैसे सुगना, दारू पिलाई कह रही हो, पर उसकी FIR भी तो लिखी मैंने। तुम देखना उसे 2 हफ्ते जेल में रहना पड़ेगा, तब जाकर उस गधे को अकल आएगी। बाहर आते ही नायक जी आपने मेरा जीवन बदल दिया, अपनी एक फोटो मुझे दे दीजिए ना, वॉलपेपर बनाकर रखूंगा। कहेगा बोलना बीवी के साथ वाली फोटो है, वही मिलेगी उन्हें। अरे बहन जी। हाँ देखो लगता है तुम्हारा कोई फ्रेंड आया है। मुझे 100 रुपए की जरूरत है, चुप इसे खरीद लीजिए। ठीक है उसे यहाँ रखो। रुको रुको, ये क्या है? माँ जी बच्चे को जरा उस तरफ ले जाओ ना। ए, इस शायद को इस बोतल में डाल दे, ले पकड़। तो फिर पैसे? सौ बोला तो 100 ही दोगे क्या? ये मेहनत नहीं, चोरी कर रहा है तुम्हारी। वैसे इन लोगों से खरीदना नहीं चाहिए। यही अगर वो नागराज को बेचेगा तो पाव लीटर का 10 रुपया देगा, कैसे गुजारा करेंगे ये लोग?
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को पता चलेगा तो स्मगलिंग कहेगा। इसे सहायता कहते हैं, स्मगलिंग नहीं। और मैं जो कह रहा हूँ वो लॉ है, लॉ की बात सुनो। दूर दूर, इस तरह मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बात है ना तो वो तुम जल्दी से कह दो। ये बात जल्दी से नहीं होती। हॉस्पिटल जाना है मुझे। कोई खुशखबरी है क्या? एक हफ्ते में तुम दो नाइट ड्यूटी करो, तभी तो खबर दे पाऊंगी। ओके, जरूरत नहीं, जल्दी साड़ी पहन कर आओ, थाने तक छोड़ दूंगा। और फिर वहां से? वहां के बाद पति पर बोझ बनने की क्या जरूरत है, खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर कदम बढ़ा कर चलती बनना। कौन रोकेगा तुम्हें, देखता हूँ मैं भी जरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं आप? मेडिकल चेकअप करवाने। वाइफ है? सुना है तेरा पति गब्बर सिंह है, थाने में सब डरते हैं इससे। मुझे जानती हो क्या? धर्मेंद्र हीरो, हीरो, हीरो। सुनो गांव वालों, आपन वापस आएगा, ताल ठोक के आएगा। नायक, नायक रहने दो, छोड़ो। बदतमीज है, ना समझ। यही है ना वो जिसके साथ रात को बैठकर तुमने शराब पी थी? मैंने कहाँ पी, पिलानी पड़ी थी उसे। तुम हॉस्पिटल जाओ। जरा सा कुछ कहो तो चिढ़ जाते हैं। लुंगी नीचे। क्यों, क्या हुआ? टांगे सेक्सी लग रही हैं। पूना के XMP का बेटा है सर। वही सर जिन्हें सेंट्रल मिनिस्टर भी बनाया गया था, जीवन कुमार जी। अच्छा, वो उन्हीं का बेटा है सर। कितने दिन की लगाओगे सर? 8 दिन की लगाऊंगा। बीच में तू बोला ना। 2 हफ्ते की लगा दूंगा। ए, क्या बोला ये? नेक्स्ट। ए, चलो सर। नमस्ते सर। आपके पिताजी ने फोन किया था, कुछ स्पेशल चाहिए तो बताइएगा। स्पेशल बोले तो? मतलब दारू सिगरेट की बात कर रहे होंगे। कोई जरूरत नहीं है, क्रिसमस तक उपवास रखने वाला है। जब सजा काटनी है तो उपवास क्यों? बाबू, 2 हफ्ते बिना खाए पिए आप कैसे रह सकते हो? जो हुआ उसे याद करके। हरिणी कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने जा रही हूँ सर। शादी की शॉपिंग? हाँ सर। सुगना के साथ जा रही हो? ए, तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। सर। हाँ बोलो। जिसने चट्टान में धमाका किया उसे फॉरेस्ट ऑफिसर पकड़ कर लाए हैं, बहुत ही भोला लग रहा है सर। फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर? नहीं सर, वो मजदूर। अरे बारूद लगाने वाला मजदूर भोला वाला कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे जियोगी तुम? जिगन पाड़ो चुराने वाला कौन है? मैं हूँ सर। वाह, बड़ा कमाल का काम किया। वो बात नहीं है सर। तो फिर? मेरी 2 बेटियां हैं सर। तो मेरा भी 1 बेटा है, इसमें गर्व करने वाली कौन सी बात है? बड़ी बेटी को मैं इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ सर। हाँ, इस बात पे गर्व कर सकते हैं। क्यों रामास्वामी, वैसे इतनी उम्र तो नहीं लग रही तुम्हारी, इंजीनियरिंग पढ़ रही है तुम्हारी बेटी? कम उम्र में ही शादी हो गई थी। बच्चे भी जल्दी से पैदा कर दिए होंगे सर। गन पाउडर किसने चुराया है पहले उसके बारे में पूछो। गल्ले की दुकान पर थोड़ी ना मिलता है, इसीलिए चुराया होगा। Hey, क्या नाम है तेरा? सेबेस्टियन सर। सेबेस्टियन। मेरी 2 बड़ी-बड़ी बेटियां हैं सर। ये बता चुका है। उनके लिए 1 बाथरूम होना चाहिए सर। हाँ पक्का। बैंक वाले बोले न्यू नहीं भरेगी तो लोन नहीं देंगे। हाँ वो तो कहेंगे। न्यू भरने के लिए पत्थर चाहिए ना सर। पॉइंट बनता है। इसीलिए धमाका किया सर। मुझे जेल जाने का डर नहीं है,
ये कॉन्ट्रैक्टर और इसके आदमी कुत्ते से भी बदतर है सर। मेरी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, बस ये वादा कीजिए सर। अभी जाकर लॉकअप में बंद हो जाऊंगा। मुझे इस पर भरोसा नहीं है, आपका करता हूं। टच कर दिया यार। सब लिखो रामस्वामी। सर केस की जांच चल रही है, जल्दी नतीजे मिलने की उम्मीद है। ठीक है सर, तुम जाओ। ये क्या सर, आप इसे अरेस्ट कीजिए, आप इसे जाने क्यों दे रहे हैं? रूल्स के अगेंस्ट है, मतलब अपराध करने पर अंदर बैठाकर दारू पिलाने वाला थाना समझा है क्या? राधा नगरी तहसील रिजर्व फॉरेस्ट सेकंड डिवीजन पुलिस वर्किंग अंडर भीमराव नायर, द मोस्ट एक्सपीरियंस सब इंस्पेक्टर इन द होल डिवीजन। दैट्स द स्पिरिट बॉयज। ए बता रहा हूं तुझे, एक पल भी यहां पर रुका ना तो तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा, चल भाग जा। क्यों सेबास्टियन? सर पत्थर पूरे हो गए? नहीं सर। तो और चाहिए? हां सर। थोड़ा गन पाउडर ले लो। थैंक यू सर। ए, थोड़ा सा। ए बॉबी, नमस्ते कोई नहीं कर रहा है, कम से कम तू ही कर दे यार। नमस्ते सर। नमस्ते, ये होते संस्कार, वो आपके पास है नहीं, दिखा दे भाई। क्या है ये? बेल के पेपर्स, कल ही मैंने हाई कोर्ट से मंगवाया है। हर सोमवार को यहाँ दस्तखत करने को कहा है। रजिस्टर कहाँ है? स्ट्रेट बाहर जाकर लेफ्ट ले। रजिस्टर चाय की दुकान पर है क्या? नहीं, उससे आगे। रजिस्टर वहां कैसे पहुंच गया? राइट लेगा तो किराने की दुकान पड़ेगी। हमारे सुभाष भाऊ का ना, वहीं पर कॉल लड़ने का हिंदी कैलेंडर मिलेगा, उसमें डेट देखना, अगर आज शुक्रवार है तो वहीं पता चल जाएगा। इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। मैं पीता हूँ ये सच है, शुक्रवार और सोमवार में फर्क पता ना चले इतना भी नहीं पीता हूँ। सोमवार को काम होता है। अर्जेंट काम है क्या? बहुत। ऐसा है तो मंगलवार को हम खुद आकर अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, फिर दस्तखत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एसआई सर जोक मार रहे हैं। इसने क्या, हम पर तो भगवान भी जोक मारता है। बदन पे जो यूनिफॉर्म है उसका घमंड है, इसीलिए गर्मी है। रोज यूनिफॉर्म उतार कर ही घर जाता हूँ, महीने में चार बार सादे कपड़ों में घूमता हूँ, जब देखना हो ना तब आ जाना। देखा आपने, इनमें तो घमंड भरा हुआ है। मैं बदला लेने से पीछे नहीं हटता हूँ, मुझसे नहीं तो किसी और के जरिए अपना बदला ले ही लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। प्रभु आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार, हम सबको अपनी शरण में लेकर आशीष देना। आज इस क्रिसमस के शुभ दिन पर प्रभु आप अपने बच्चों पर दया दृष्टि बनाए रखना। आप अपने भक्त जीवन कुमार के बेटे डेनियल को हर संकट से दूर रखना। आप अपनी दिव्य शक्ति इस बालक पर बनाए रखना, साथ ही अपनी कृपा इनकी गर्भवती पत्नी पर भी बनाए रखना। ये सब आपके ही बच्चे हैं, ऐसा कहा था आपने, ऐसा ही एक बालक इन्हें प्रदान करें। हम सबके पिता आप ही हैं, आप अपने इन बच्चों का साथ देना, अपनी कृपा इन पर बनाए रखना, ऐसा मैं विनती करता हूँ। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। थैंक यू। बाय सर। तुम अभी जाओ। फास्टिंग कर रहा हूं। खाइए ना। मना किया ना। हमसे पंगा लेना उसे भारी पड़ेगा। तू क्यों नहीं खा रहा? हमें इन सब से क्या लेना देना, इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए ना। वो क्या नींद में है जो बुरा सपना समझकर भूलेगा? हमारे घर के लिविंग रूम में जैसे बात करते हैं वैसे बात मत कर, जेल का विजिटिंग रूम है ये। शांत हो जाए, पांच दिन में आ जाऊंगा, रो मत। हो गया? भले ही इलेक्शन हम हार गए हैं, लेकिन रोड का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा, क्योंकि मैं खुद को एक्स एमपी नहीं समझता, समझूंगा भी नहीं। मैंने कोई जानबूझकर गलती की है ये मत सोचना, मैं कुछ करना चाहूंगा तो नहीं रोक पाएगा वो। आई बात समझ में? मैरी क्रिसमस।
साल के रिकॉर्ड के मुताबिक राधा नगरी तालुका के भीमला नायक का नाम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। 15 सालों से ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। इन्होंने कई लोगों की मदद भी की है, ऐसा इनके सहकर्मियों का कहना है। मत, रोना है तो आना मत। और कितनी देर? इसे क्या इसने होटल समझ रखा है? जेल बिल के मामले में बहुत सारे दस्तखत और कंडीशंस होते हैं। यहां पर भी साइन करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में भी महीने में दो बार साइन करना पड़ेगा, तो फिर भाई घर का पाएंगे? बोलो। जब तक भाई बाहर नहीं आते सर हिलाता रहे। हाँ। थोड़ी देर के बाद बेल के पेपर क्लियर हो जाएंगे। बेल के पेपर क्लियर होते ही पेटीशन डाल देंगे, समझा? और तब तक थोड़ा पेशेंस रख। ये क्या है यार? जब वो थाने में था तभी वीडियो बना लिया उसका। बाहर आया तो सब खत्म। और नहीं तो क्या? क्या है वो? मैं देखूं क्या? तूने तो पुलिस वाले पे ही FIR लिखवा दी। पसंद आया ना? अब देख डैनी का कमाल, शेर पिंजरे से बाहर आ गया, अब जंगल में ही मंगल करेंगे। आजा। आया क्या? नहीं आया। अब देखो। हाँ, नहीं आया। आ गया क्या? हाँ आ गया। मुझे कोई प्लान बनाना ही पड़ेगा। स्टेशन में ही बार खोलने वाले SI भीमला नायक, जो प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए चुने गए हैं, उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन को ही बार बना लिया और उसमें उनकी मदद कर रही है एक महिला कांस्टेबल। उन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि अब वो थाने से ही दारू सप्लाई करते हैं। इसकी पूछताछ करने के लिए जब हमने ACP ऑफिस में कॉल किया तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं और इस घटना का हम पता लगा कर ही रहेंगे। हमारे सूत्रों के आधार पे हमें ये पता चला है कि पुलिस स्टेशन के अंदर कब से ये धांधली चल रही है, कहां नहीं जा सकता। एक सनसनीखेज का खुलासा आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर लेडी कांस्टेबल हरिणी का किरदार क्या है, ये जनता जानना चाहती है। वहाँ के पुलिस वालों को रिश्वत की लत लग गई है। ये लत इनको कहाँ से लगी, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में बताने के लिए पुलिस वाले राजी नहीं हैं। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, ये हम पता लगा कर ही रहेंगे। डैनी, बेकार में तुम पुलिस से पंगा ले रहे हो। अगर एक दिन पुलिस स्टेशन में साइन करने नहीं गए ना तो अंदर डाल देंगे। भैया, दो हफ्ते पहले अरेस्ट होने वाले आप ही हो ना? सोमवार को साइन करने आप भी जाओगे? सोमवार और शुक्रवार। भगवान की दया कि हमको शुक्रवार को नहीं जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, शुक्रवार को आप अपनी कार में आराम से जा सकते हैं, सोमवार को हम भी साथ में चलेंगे, पेट्रोल भी बचेगा। हाँ। इसका वहाँ जब 10,000 की लड़ी चल रही है तो इस माची से क्यों बात करना?
10,000 की लड़ी जलाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ती है ना सर, उस माचिस का नाम है नागराज। तू नागराज है तो समझ ले मैं हूँ शेषनाग, डैनियल शेखर। अरे बाप रे, इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं सर? आज के दिन बार में जितना पीना चाहते हैं उतना आपको फ्री में देना चाहते हैं। फ्री क्यों? उनके पास पैसों की कमी है क्या? हाँ। वो जितना पिएंगे हमें उतनी खुशी मिलेगी, ये कहने की सोच रहा था। कौन सा नाग? नागराज। बाद में जश्न मनेगा, पहले उसे सलाखों के पीछे तो जाने दे। ऐसा प्रोग्राम मिस नहीं होना चाहिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे तू कैसे चलेगा, पहले ही 5 लोग हैं। 5 में 2 और मिल जाएंगे सर, चलिए ना। इसकी तो तू मेरी नौकरी चली जाएगी कह रहे। क्यों जाएगी नौकरी, क्या गलती है तुम्हारी? जो लड़का देखने आया था उसने कहा कि शादी के बाद जॉब मत छोड़ना, अब ये बेचारी उन्हें क्या जवाब देगी पता नहीं। उन्हें नहीं, वो वीडियो जिसने बनाया उन्हें क्या जवाब देना है पहले ये सोचिए। इतनी भीड़ काय को है यहाँ? नायक गरीबों की बहुत मदद करता है ना, औरतों को नौकरी दिलाना, बूढ़ों को पेंशन दिलाता है, सर्दियों में कंबल, बारिश के मौसम में छतरियाँ, छिची, ऐसे बेकार काम ये बहुत करता है। हाँ उसी सेवा का परिणाम है ये। नागराज भैया बहुत अच्छा काम किया भैया। हाँ बस भगवान की कृपा है और हाँ आपकी। इतनी भीड़ में स्पीच तो बनती है, 2-3 डायलॉग चिपका देता हूँ। इसकी क्या जरूरत है बाबू? चुप कर, ब्रदर्स हेल्प मी। भैया देख क्या रहो, पीठ पे चढ़ जाओ। ओके सुनो गांव वालों, हे वर्दी आप लोग भी सुनो। देखा बॉडी पे यूनिफॉर्म पहन लिया तो जिसे चाहे उसे अरेस्ट कर लोगे क्या? आपन जैसे लोग जेल में बैठकर क्या ABCD पढ़ेंगे? अभी आप उन्हें एक फिल्म बनाने वाला है, डैनी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन नंबर 1। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या पता अभी हो जाए। वंस मोर नायक। सुनो हरिणी, मैंने DSP से बात कर ली है, तुम्हारी इंक्वायरी में टाइम लगेगा, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम गांव चली जाओ। इसे क्यों गांव भेजना चाहते हैं आप? आखिर इसने किया ही क्या है? मैंने नहीं, DSP जी होते कौन है? आप मेरी बात सुनिए, ये कहीं नहीं जाएगी। सुगना हम डर नहीं रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, सर ने जो कहा वही राइट है, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। पैसे हैं क्या? देकर भेज दो। सुगना तुम्हें कहा, शक्ति सर जाकर छोड़ाओ। ओके सर। इन पर ध्यान मत देना। देखिए ये वही लड़की है, बिन मांगे पानी देने वाली एंजल है, पानी ठंडा नहीं था तो बुरा लगा। सुनो तुम सस्पेंड हो रही हो तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्या बोलते हैं उसको, कोलैटरल डैमेज। दो राजा जब युद्ध करते हैं तो सैनिकों की बलि चढ़ती है, सही बोला ना? सही कहा। नीचे क्यों थूका, मुंह पे थूकना था ना? जनता भड़क रही है, अपन को तो जलने की बू आ रही है। ओ नायक तेरे फैंस इधर वेट कर रहे ले, यहाँ इनका बस चलो तो तेरा पोस्टर लगाकर दिन रात धरना देने बैठ जाएंगे। अरे बाहर तो आ। नागराज क्या बोलता है तू, यूनिफॉर्म रहने देंगे या उतरवा देंगे? थोड़ी ईमानदारी बची होगी तो तुरंत उतरवा देंगे। नायक सर क्या करने की सोच रहे हो आप? एक 1 किलोमीटर का गांव है सर, उसके बाद पूरा जंगल है, पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारकर फेंक देंगे तो 10 दिन लगेंगे लाश ढूंढने में। केस आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और हम TV में न्यूज देख सकते हैं। ऐसा करोगे तो 15 साल पहले का जो नायक था और अभी के नायक में क्या फर्क है? डर सर, डर। तब उस नायक को डर नहीं लगता था सर, लेकिन अब आपके कहने पर उसे कंफर्टेबल करने के लिए मैंने उसे दारू पिलाई और मैंने सील निकालने को कहा उस लड़की को, तो उसे नौकरी से निकलवा दिया।
उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट देखते ही मैंने आपको फोन किया था सर। इतना ही फर्क है सर, इससे ज्यादा कोई फर्क नायक यही है। सुनो देखिए सर उसे देखिए वो क्या कर रहा है बाहर, तमाशा बना रहा है हमारे डिपार्टमेंट का। इस जैसे लोगों के लिए सर रूल्स रेगुलेशन इज्जत मर्यादा कानून मानून कुछ नहीं होता सर। देखते ही गोली मार देनी चाहिए या फिर कानून के तहत मारकर रोड से घसीट के ले जाना चाहिए। इन क्रिमिनल्स के लिए यही सही है, सजा सजा सजा। सर इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है ये कहा था सॉरी सर अपनी वाइफ को घर तक छोड़ने का टाइम देंगे या अभी अरेस्ट करेंगे? नायक तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा, जाओ प्लीज। ठीक है सर। सॉरी सर सुगना चलो। अरे अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा क्या पता यार। अरे नायक आप उनकी धोती उतार कर यहाँ लाया था, आप उन सोचा तू पैंट उतार कर आएगा। उसे मरने दो नायक, मरने दो उसे। ए, क्या रहा हूं, मारो इसे। क्यों रे, घर बनाने के लिए तुझे पत्थर नहीं मिलता लेकिन सर फोड़ने के लिए पत्थर मिल गया तुझे। तू अगर जेल चला जाएगा तो तेरी बेटी को कौन पढ़ाएगा, तेरे घर को कौन संभालेगा? मैं अकेला सस्पेंड हो गया काफी है, जा और किसी और को अरेस्ट होने की जरूरत नहीं है, जाओ। आप उनको आधी रात को अरेस्ट करके लाया था और आप उन्हें तुझे दिन दहाड़े थाने से बाहर निकलवा दिया। अब तू खुद बोल, नायक तू है या आपोन? प्राउड ऑफ यू डैनी, सल्यूट। सुन रहे हो ना? कीज, तू नायक और आपोन खलनायक। सुनाई नहीं देता क्या? उस दिन हीरो बन रहा था, आज विलन बन रहा है, उसे खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं है। कीज, छह बीवी के इशारे पर नाचता है। बाबू अब जाने भी दो ना। तुम चुप रहो। तुम्हारे लिए जो लोग आए थे उन्हें तुमने इतना मारा, अब तुम मेरे लिए उसे खींच कर मारो। नायक सिर्फ एक। मैं मारूंगा कैसे लगेगी ये वो जानता है, किस रेंज में मार सकता हूं ये भी उन्हें पता है। प्रूफ करना है कीज। एक हफ्ते तक रिमांड में रहना पड़ सकता है, उस डैनी या नागराज से इस बीच में कोई पंगा मत लेना। सुन रही हो ना? बाहर गोवर्धन जी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कॉफी पीकर आ जाना। ज्यादा सोचने वाले को मिलती है केक, वो भी सामने से, क्यों नागराज? नायक का अरेस्ट मतलब हथकड़ियां, चीखना चिल्लाना, ऐसा ही कुछ होएगा ये सोचा था आपने, है कि नहीं? करेक्ट सर, हमने जितना सोचा था उतना तो खूंखार नहीं है। नायक चलो। उम्र और जिम्मेदारी के साथ साथ ये इंसान थोड़ा कमजोर हो गया है ना। नमस्ते दीदी।
चलो अरे बस करो वो दारू बेच रहे हैं, आप उन्हें मार रहे हो, ये क्या हो रहा है? फिर वही, पतियों को खाना नहीं देती हो, सम्मान भी नहीं करती हो, क्या जिंदगी है तुम्हारी? कम से कम तू तो कर दे यार। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। इस लड़की का पति 2 दिन हो चुके हैं घर नहीं आया। तो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करो, यहाँ क्यों आई हो? इसका पति यहीं पर है। तो अब तुमने भविष्यवाणी भी शुरू कर दी? ठीक है, जाकर देख लो। बोला आपने, लेकिन इसने मुझे क्यों मारा? अबे तो इसमें लॉजिक क्यों घुसाता है? कोई और पी पाकर के मर गया तो ये मेरे ऊपर केस कर देगी? यही सेफ है? उस डैनी के वीडियो रिकॉर्ड करने से ज्यादा हमारी तालियों से इसके पसीने छूटने लग गए लग रहा है। कल यो नागराज, क्या हो रहा है यहाँ? फ्री में दारू मिल रही है क्या? ये गुंडे लोगों की भीड़ काहे को जमे लिए? दूसरे गांव से गुंडों को बुलाना पड़ेगा क्या? मैं भी जानती हूँ। क्या बोल रही है तू? नायक की बीवी हूँ इसलिए मुझे कम्मत समझना। नायक से डबल हूँ, ज्यादा बोलेगा तो चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। क्या रे नागराज, पुलिस हर जगह चेक पोस्ट लगाती है, इसके मुंह पे नहीं लगाई? सर इसका नाम सुगना है, नाम ही सुगना है, इससे ज्यादा क्या कहें, बहुत खतरनाक है। वो तो देख रहे ला है। बाबू थोड़ा और इंतजार करते हैं, बात मान लो, झगड़ा मत करो। एक घंटे से इंतजार कर रहे ला है। वहां पर वो सालों से इंतजार कर रहा है। हेड कांस्टेबल सुदर्शन जी, रजिस्टर प्लीज। डैनी जी, यहां पर जो आता है उसे जल्दी भेजते नहीं, क्योंकि बाहर जाकर लफड़ा करेगा। उसका धीरज जब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता यहीं पर बिठा कर रखते हैं। जब तक वो पूरी तरह से थक नहीं जाता है तब तक हम उसे छोड़ते नहीं, यही है पुलिस का स्टाइल। आपको समझ में नहीं आएगा, रजिस्टर दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो ना। फिर डोसा ही लेकर आई हो? तो चिकन बनाकर लाती क्या? जब से तुम गए हो तब से ये रोता ही रहता है, कुछ काम नहीं करने देता, पागल हो रही हूं मैं। सुगड़ा सर, आप परेशान मत होइए। नायक बाहर निकलने के बाद उसे छोड़ना मत समझे। ठीक है, देखेंगे। देखोगे क्या? कसम खाओ मेरी। देख सुगड़ा, पागल हो गई हो क्या? जाओ। मैं अंदर हूं तो कानून है, बाहर आया तो परेशानी उसे। बाबू खाना ला दे। हाँ। फोन की बात कर रहा हूं। अच्छा फोन। हाँ। जल्दी लेकर आना। लेकर आ रहा हूं। सुनिए। हाँ। अब माँ कैसी है? ठीक ही है। तू कैसी है? हाँ। हाँ क्या? हाँ, अच्छी है या नहीं? मैं ठीक नहीं हूँ यहाँ। हाँ तो यहाँ भी कौन ठीक है, एडजस्ट करने का ना। अबे तुम यहाँ होते तो काफी होता, सब कुछ एडजस्ट कर लेती। तुम यहाँ आ जाओ ना। आप उनके 5-स्टार होटल में पिकनिक बना रहे ला? लॉज में सोकर रोज थाने जाकर दस्तखत कर रहा हूँ, आने को कह रही है। मैं जानती हूँ तुम कोशिश करोगे तो जरूर आ जाओगे, प्लीज आ जाओ। क्या आ जाओ? तुमसे बाद में बात करता हूँ। सुनिए, बाद में फोन करूंगा ना। बाबू खाना लगाऊं? फिल्म तो बढ़िया बनाई है, टाइटल क्या रखा है, भीमला नायक ब्रांडी वाटर? हाँ। अरे पुलिस वालों से लफड़ा क्यों मोल ले लिया? वो सैल्यूट मारते हुए दूर से ही अच्छे लगते हैं, अंदर जाने के बाद लाठी कहाँ घुसाएंगे पता नहीं चलता है।
सुन, सीआई को फोन लगा, पकड़। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, वो सब छोड़ो सर। अपना बच्चा जो है ना, मेरी बस इकलौती बेटी है सर, कोई लड़का नहीं है। ठीक से सुना नहीं, स्पीकर पे लगाता हूँ, स्पीच सुन ले। स्पीच छोड़ो अंकल, हफ्ते में दो बार थाने जाकर दस्तखत करना पड़ेगा तो वहीं रहना पड़ेगा ना, घर कैसे जाएगा अपन? छह महीने का एक साथ दस्तखत करके चला जाएगा या फिर रजिस्टर घर पर भिजवा दूं? ऐसे ही गुस्सा दिलाता है ये, दिल करता है उस कांस्टेबल को जाके वहीं मार डालूं। तूने पुलिस स्टेशन को अपने बाप का घर समझा है? आ और आके मार के दिखा, 7 साल तक जेल में सड़ेगा। तू खाली अपन के सामने। अरे रे ठंडरक ठंडरक, क्या लगा रखा है ये सब? जो हो गया उसे भूल जाओ, अब क्या करने का सोचा ये बताओ। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है सर। अरे मेरे भाई, जरा एक बात सुन ले, इससे 2 हफ्ते के दस्तखत एक साथ ले ले, बेल के बारे में बाद में बात करेंगे। सुना क्या? सुन, तू भी एसपी ऑफिस में वो वीडियो मत दिखाना, बाद में मैनेज कर लेंगे। हाँ, उतना काफी नहीं है। अरे क्या काफी नहीं होगा, 1 महीने में तेरी बेटी की शादी है ना, इधर इसकी बीवी की भी डिलीवरी है। अरे अब काय की किरकिरी लगा रखी है, आराम से जियो ना। आपकी मर्जी सर। चुप। सॉरी से खत्म होने वाली बात को तू रजिस्टर तक ले आया है, सब तेरे बाप ने ही सिखाया है, अपने बाप से मत कह देना, नहीं तो भड़केगा वो। क्यों रे, एसपी ऑफिस में इंक्वायरी कब है? कल है, लेकिन एमएलए से बात किया ना। उसके जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, वहां एविडेंस देकर आ। खाली पीली लफड़ा बढ़ जाएगा पापा। लफड़ा करेगा तो लफड़ा ही होगा ना। हाँ, वो अपने बाजुओं पर सितारे देखकर आसमान छू रहा है, उसकी वर्दी उतरवा देंगे तो जमीन पर आ जाएगा। तू जा। बेटे को रोकने के बजाय आप इसे उकसा क्यों रहे हैं? इधर साहब, ये डीजल के लिए, जाने से पहले व्हील्स चेक करवा ले, रोड अच्छे नहीं है ना। लोग तो बातें करेंगे ही, पर हमें सुनना नहीं है। उस पुलिस वाले को पता चलना चाहिए कि फैंसी नंबर दूर से देखने पर एफआईआर लिखने से पहले उसे चेक भी करना चाहिए। सुन रहे, कोई पूछता है तो मैं कहता हूं कि मेरे एक लड़का है, कहना बंद कर दूं क्या? अब ये कहूं कि लड़का नहीं, वो एक लड़की है। ये रोना बंद कर, वरना बची खुची इज्जत भी जाएगी। इज्जत होगी तो जाएगी ना। क्या कहा? सासुमा। सासुमा? सासुमा को देख लेंगे तो। उसे देखने के लिए उसका पति है। इस घर को संभालने के लिए एक मर्द चाहिए, उसका पता आज ही चल जाएगा, साबित करके दिखा। जाओ। मॉर्निंग डैनी। मॉर्निंग, इंतजार कर रहा था। लेट हुआ क्या? घर में शादी है इसलिए। अरे आपको आने की क्या जरूरत थी? आखिरी साइन लेनी है ना, इसलिए मैं खुद चला आया। थैंक यू, चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। दो चाय बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग डैनी। हेलो। ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। अपुन भी सर। एसपी के ऑफिस से फोन आया था क्या? आया था। हाँ आएगा, 2-3 बार और आएगा, बात मत करना। कहाँ? यहाँ सर। यहाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? कैसी प्रॉब्लम? पता नहीं क्यों अपुन को वो करेक्ट नहीं लग रहा सर। मतलब? वही, एक अल्कोहल फ्री जोन में दारू सर्व करना, वो भी एक एसआई, ऊपर से पुलिस स्टेशन में, सील्ड किए हुए बोतल से। इट्स अ सीवियर क्राइम सर, वेरी शेमफुल। ये साला अपनी बात से मुकर रहा है। फोन कहाँ है? कौन सा फोन? जिसमें वीडियो है वो फोन कहाँ है? तो हर फोन में वीडियो है। क्या कहा? ए, इसकी कार में चेक करो, जल्दी चलो चलो। ये फोन दिए बिना ये मेरे थाने से कैसे जाएगा, मैं भी देखता हूँ। चेक करो, ठीक से देखो, वो बैक सीट डिक्की में भी देखो। नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा, कितना भी ढूंढो। कहाँ है फोन? फोन कहाँ है? दस्तखत के लिए लेट होएगा, इसके लिए एसपी के ऑफिस भिजवा दिया। भिजवा दिया? कब भेजा? कब का लॉन्ग बैक। सिगरेट देना। थैंक यू। गन से बुलेट अगर गायब हुआ तो केस, आप उनके बॉडी में देखा तो भी केस। पुलिस के पास एफआईआर लिखने तक की पावर होती है, लिख लिया। जज के पास रिमांड तक भेजने की पावर होती है, वो भी भेज दिया। अब आपुन देगा इंटरव्यू। उसकी हालत खराब होने तक आपुन इसी शहर में रहेगा।
तारिक आपुन मांगता ही रहेगा और केस चलता ही रहेगा जब तक तू रिटायर नहीं होता, जब तक आपुन एमपी नहीं बनता। बालाजी तमाशा चलता रहेगा, चल निकलते हैं। लोग आपुन की ब्लेसिंग्स का इंतजार कर रहे हैं, जाकर देकर आते हैं। गाड़ी निकाल। वो लेडी कांस्टेबल कौन है? हरिणी सर। उस लड़की को भी शामिल कर देते हैं, केस थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा सर। लेकिन इनकी इंक्रीमेंट और प्रमोशन चली जाएगी, ठीक है ना? इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या कहना है बोलो? आपको ठीक लगता है तो ठीक है सर। वो नायक सॉरी सर, उस लड़की को अकम्प्लिस मत कहिए सर, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है सर, उसने खुद नहीं किया। मैंने ही कहा था नायक। एक मिनट सर, बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोलो। सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ डिसमिसल, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। आई एम ओके सर, मेरी जिम्मेदारी है। अगले 2 दिन में डिसिप्लिनरी कमेटी की हियरिंग होगी, ऑर्डर्स भिजवा दूंगा। आई थिंक वी आर डन। अच्छा तुम जा सकते हो। जय हिंद सर। नायक, नायक सर, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? हाँ उनके सामने चुप रहते तो क्या भी करता। हाँ अपराधी का सर भारी होता है सर, झुकाना चाहिए। सैनिक का सर गर्व से उठा रहना चाहिए। पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है सर, उसे निभानी चाहिए। हाँ में हाँ मिलाता तो ऑर्डर बदल जाता, पर वो मुझसे नहीं होगा। हरिणी घबराना मत, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा, सबसे बात कर लिए, ध्यान रखना। कम से कम इसे तो जिम्मेदारी की तरह संभाल लीजिए, मेरी तरह इसे सड़क पर मत छोड़िएगा। वो नायक सस्पेंड हुआ क्या? हाँ सर। उसकी वर्दी उतार दी ना, उसकी बैंड छीन ली ना। आज अच्छी खबर सुनने के लिए मेरे कान तड़पड़ा रहे हैं। आज सारे हवलदारों के लिए दारू फ्री, आज तो जस्ट होगा। ए नागराज, हाँ? ये आवाज सुनकर कैसा लग रहा है? हेलो, आवाज बोल रही है? तुम जैसे को सस्पेंड नहीं होना चाहिए नायक, मैं होने नहीं दूंगा। ना आपके लिए सस्पेंशन होगी सर, मेरे लिए आजादी है। ओए बल्ली, नायक सर सस्पेंड हो गए, अब भीमला आजाद हो गए। नागराज जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। पुलिस वालों को आप क्या दारू पिलाएंगे? आइए, पुलिस वाला आपको दारू पिलाएगा, आइए पीकर धुत हो जाते हैं। आखिर ये कर क्या रहा है सर? गुरुजी वो नागराज जी, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आपकी दिवाली इस साल थोड़ी पहले ही आ गई। दिवाली कहाँ है, क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है? अरे ऐसे कैसे चलेगा, ये सब तैयारी कंजूसी से थोड़ी होती है आपकी तरह, थोड़ा खर्चा करना पड़ता है ना। जाने को बोल, सबको जाने को बोल। देख क्या देख रहा है, विस्की के लिए रिस्क लेगा क्या जिंदगी का? जीना है तो भाग जा, चल झटपट। तुम लोग यहाँ पर सांड की तरह क्यों बैठो? जाओ जाओ। मालिक मैं रास्ते में वापस जा रहा हूँ। शाबाश, मुझे लगा ही था। दिवाली पर काम थोड़ी छोड़ते हैं, छुट्टी ले लेना। सिगरेट पीता है क्या? हाँ पीता हूँ ना। ये, ये। अरे माचिस काफी है, ए, थोड़ा जला देना। भैया ये तो थोड़ा छोटा लग रहा है। नागराज की जितनी औकात है उससे बड़ा है, तू जला। यहीं फट गया तो? यहाँ सिर्फ जलेगा बेटा, बस अब फटेगा। हैप्पी दीपावली नागराज जी।
चमड़ी उधर के रख दूंगा तेरी। कहीं भी रुकवा दोगे क्या? आप उनको डराने के लिए उसे मारा ना? डराना होता है तो वार्निंग देता हूं, जब मारना चाहता हूं तभी मारता हूं। इस गीदड़ भपकी से सिर्फ कायर डरते हैं नायक, आप उन जैसे मिलिट्री वाले डरते नहीं हैं। कोटे की दारू ले जाते देखा ना, बॉर्डर पर कईयों का विकेट गिराया, ये तूने नहीं देखा? तेरी वर्दी तो उतर गई है, अब धोती पहनकर क्या नेतागिरी करेगा? क्या बोलता है? यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए ताकत होगी, मेरे लिए रुकावट थी, इसीलिए उतार दी। अब मुझे कौन रोकेगा? सस्पेंड हुआ एसआई, नौकरी गंवाने वाला एम्प्लॉय, तेरी जली तो जरूर होगी, जाहिर सी बात है। ए डैनी, गजनी मोहम्मद युद्ध में 17 बार हार के गया, उसे हराने वाले का नाम पता है। ये हारने के बाद भी हमें क्यों याद है जानता है? क्योंकि वो जंग से डरता नहीं था। जीत का हार से कोई लेना देना नहीं होता। मैं भी सेम टू सेम, तू उखाड़ मैं टिकूंगा, तू कुचल मैं उठूंगा, तू पीछे हट मैं आगे आऊंगा, तुझे टक्कर की मौत दूंगा। राजाओं की लड़ाई में सैनिकों की ही मौत होती है, कहा था ना सर, हम राजा हैं या सैनिक। उसने बम क्यों फोड़ा, हम उसमें क्यों जल गए? किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो।
उंगली टूटने पर भी व्हीलचेयर चाहिए? क्यों, हम इसके लिए पैर तोड़वा लें क्या? बोलो ना। क्या नागराज, ठीक नहीं हुआ क्या? उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है, माफ करना। लॉयर का साथ दीजिए, यही काफी है, नायक पर केस कर देंगे। मैं भी इसकी तरह बैट पकड़ लूं, तुम यही चाहते हो क्या? ए, डरेगा तो कैसा चलेगा? डर नहीं रहा, समझदारी। झटका थोड़ा बड़ा था इसीलिए 15 मिनट लग गए, घर 500 गज का ही था, उसने 5 मिनट में उड़ा दिया। तो तू कुछ नहीं करेगा? आप सपोर्ट करो, मैं करूंगा। ए, और क्या करेगा, आपने उसे सस्पेंड करवा दिया। अरे भाई, पहले उसकी बीवी को जेल भेजो, तब जाकर दिल को सुकून मिलेगा। ए, झगड़ा उसके और आपुन के बीच में, औरतों को बीच में काय को लाता है? उसका मेरा झगड़ा हुआ तो इस कमजोर को नहीं मारा उसने? इतना क्या सोच रहे हैं भाई, इमोशन के चक्कर में मत पड़िए भाई, जो भी कर रहा है जल्दी कीजिए प्लीज। तू एक नंबर का डरपोक है, मरेगा। काफी दिनों के बाद मेरे बाबू ने सही बात बोली। क्या हुआ? हेलो मामा जी। वो तो सस्पेंड हो गया ना, फिर इतना डर क्यों रहा है तू? बात वो नहीं है, बिना कुछ किए हम नायक की बीवी को स्मगलर साबित कर सकते हैं। नागराज डैनी को ये बात बोल रहा था, इसलिए बता रहा हूँ। उसकी बीवी की डिटेल्स भेज, फिर देखता हूँ। ठीक है मामा जी। अब किससे बात कर रहा है? रोड साइड की सस्ते में जमीन मिल रही है। जमीन के बारे में बात कर रहे डैनी? तुम लोगों की बात को आपुन अच्छी तरह समझता है। चले। तुम्हारे चक्कर में नौकरी चली गई, मेरे पति की भी चली गई। नायक, नागराज के घर तुमने दिवाली का बम फोड़ दिया है, पूरे शहर में यह बात फैल गई है। उसने केस नहीं किया इसलिए बच गया नायक। वो मरा नहीं क्या? क्यों नायक, जब तुमने बम फेंका तो वो अंदर नहीं था? ध्यान देना चाहिए ना। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम्हारी, अंदर जाकर सबके लिए कॉफी बनाओगी प्लीज? बाहर पी लीजिएगा, अगर मैं चली गई तो इन्हें डरा धमका कर किसी बात पर जरूर मनवा लेंगे। किसे? इसे? ये डरने वालों में से है क्या? उस नागराज के बार में जो धमाका हुआ था ना, उसकी आवाज एसपी ऑफिस तक पहुंच गई थी। मुझे होना चाहिए था वहां। कोई बात नहीं, नागराज का घर बचा है ना, उसे जब उड़ाओगे तो दोनों जोड़े में जाना, जैसे शादी में जाते हैं, ठीक है ना? क्यों नायक, ये सब डैनी की वजह से है ना? उस डैनी को तो मैं जरूर मारूंगा सर, पर कैसे मारूंगा ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये सिर्फ नागराज के लिए था, इस शहर को जो नशा चढ़ा है ना, उसे उतारना पड़ेगा, और वो मैं उतारूंगा सर, मैं ही उतारूंगा। मतलब तुम सुधरने वाले नहीं हो, फैसला कर लिया ना, है ना? नौकरी, बीवी, घर संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है ना? नौकरी छोड़ दी इसलिए मैं वहां तक चला गया, पर इसका सोच के मैं यहीं तक रुक गया। नायक, हर चीज के लिए कानून होता है, तू अगर ऐसा करने वाला है तो नहीं चलेगा। नो, उस रात लॉकअप की जगह रूम में बैठाने को कहा आपने, तब कानून कहां था सर? करेक्ट, ये पूछो। अरे तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। एक तो ये है एटम बॉम्ब, इसके आसपास माचिस लेकर मत घूमो तुम। ब्लडी नॉनसेंस। सर, डैनी को लेकर हमने रूल्स को कब फॉलो किया? हा? जिस रात उसे अरेस्ट किया था हमने कानून की नजर से देखना ही बंद कर दिया, ना उसका फोन लिया, ना उसकी कार सीज की, ना उसके ड्राइवर को अरेस्ट किया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी गलतियां हमने कर दी सर। आज से मैं सारी बड़ी गलतियां करूंगा, सिर्फ बड़ी गलतियां। वो नागराज ने पहले तो उंगली की और अब वो डर रहा है। आप पूरी तरह से फंस चुके हो बाबू, हम यहां से दूर चले जाते हैं। अगर गए तो उसे लगेगा अपन डर के भाग गए, और अगर उसे नुकसान पहुंचाए तो कॉम्प्रोमाइज भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये लोग इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? डरना मत, डर लगे तो बाहर मत आना। सीआई, दारू चाहिए क्या? वो तो पहले ही दे चुका हूं, अब ओनली देसी। चेक करना है तो कर लो। इस कार को सीज करके ड्राइवर को कस्टडी में लो। ए, नया केस लगाया क्या? नहीं, पुराना है। बाहर निकलो। जिस गाड़ी में दारू मिली वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों को फ्री नहीं छोड़ सकते। ए, गुस्सा मत दिला। ये आप लोग क्या कर रहे हो सर, कुछ भी करके ये सब रोक दीजिए। बाबू, बाबू ने बालाजी, तू डर मत। डरेगा तो तू, बस देखता जा।
तू बाल भी बाका नहीं कर सकता, पड़ा आया। नमस्कार जीवन जी, आइए बैठिए। बोलिए, कैसे आना हुआ, चाय कॉफी? दरअसल मेरे कुछ डाउट्स हैं जिनके जवाब चाहिए। श्योर, बोलिए सर। आदिवासी इलाके से अगर किसी को माल खरीदना हो तो उसे ट्राइबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो लाइसेंस होना चाहिए, और अगर दोनों ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो वो स्मगलिंग के अंडर आता है सर। नायक की बीवी, शहद से लेकर सब्जियों तक लाल चंदन के अलावा सब कुछ बेचती है। आप कह तो सही रहे, लेकिन उनका इंटेंशन, चार दारू की बोतलें मिलने पर मेरे बेटे को अंदर कर दिया था। इन्हें तो हथकड़ी लगानी चाहिए। पहले अरेस्ट वारंट इशू कीजिए, फिर देखते हैं। जीवन जी बैठिए तो सही, बात करते हैं। मेरे बेटे को रोड पर खड़ा कर दिया सर, मैं बैठ नहीं सकता। मेरे बेटे को थाने जाकर साइन करने में परेशानी हो रही है। रजिस्टर घर पर भिजवा दो, कहने नहीं आया। वो कानून के हिसाब से चल रहा है, मैं भी कानून पर ही चल रहा हूँ। दो बार जीते हुए एमपी की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह कह रहा हूँ, इंसाफ कीजिए। कानून के मुताबिक उन्हें जो करना है वो करेंगे, कानून के खिलाफ जो करना है वो तू कर। हेलो नायक, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। एसपी ऑफिस से अभी सुगना के नाम पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। आई थिंक तुम चले जाओ तो बेटर होगा, सुगना को भी साथ ले जाना। ले जाओ। क्यों स्वामी, कैसे हो? ये सुगना है, इसे पहली बार मिले हो। नमस्कार। अच्छा सुनो, मेरे बाबा ने इसी मंदिर में सबको पढ़ाया लिखाया, मुझे जीना सिखाया। नमस्ते। सब ठीक है ना? घर साफ करवा दिया? हाँ बेटा। तेरे को मालूम नायक सस्पेंड हो गया।
शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। जरूरत के वक्त उसने मुझे 50,000 दिए थे, इब लौटाने आया तो वो है ही नहीं। कितना होगा भाई? 40 रुपए। महाकाली के मंदिर के पास वो लोग मिलेंगे। शायद नायक सर वहां ना मिले, लेकिन उनकी पत्नी मिलेगी। वहां जाकर पैसे दे आओ। क्यों रे, पैसे दिए उन्होंने? हेलो, हाँ सुगना बोलो। अरे फोन तेरी बीबी ने नहीं करा, 50 ग्राम फोन के साथ साथ 50 किलो की तेरी लुगाई ने भी उठा लिया यहाँ। एक ध्यान तो सुन, डेनी सर से पंगे मत ले भाई, चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर ले, ना तो अगली बार तेरी सुंदर सी लुगाई शमशान घाट में मिलेगी और तने फोन करेगा यमराज। क्या रहा है, जा चाबी लेकर आ। के कहां तक भागेगा? जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा मैं तुम्हें। भाग साले भाग। बता डैनी कहां है? मन्ना नहीं पता। नहीं पता था रे को? नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता क्या साले? ले साले, चल भाग, भाग, सूड़ा कोट अब मर। खोलो। डैनी कहाँ है? सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ताला लगाया था ना, अब खोल, खुद खोल, खोल ताला। ओ जल्दी खोल बंटा, इसी चेन से फांसी लगा के मारूंगा तुझे, खोल साले। कहाँ डैनी,
मेरे बीवी बच्चे को उठा लाए, मेरे बीवी बच्चे तक पहुंच गए, हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? मेरे बीवी है वो, भीमला नायक की बीवी, मेरा परिवार है, हिम्मत कैसे हुई? क्या पूछा मैंने, क्या पूछा मैंने? इधर आ, भाई, क्या पूछा मैंने? इधर आ, इधर आ, इधर आ, बताता हूँ तुझे, बता, बता, मैं लगा मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ, आ जाओ, बताता हूँ, इधर आ। ए, ये यहाँ क्या कर रहा है? जब देखो किसी न किसी को मारता ही रहता है, पर ये इन्हें मार क्यों रहा है? पता नहीं कौन है ये लोग। एक मिनट, गाड़ी रुक। इन चूजों को भेजा था ना, इन्हें भेजा था ना, मैं बताऊं, इन्हें भेजा था ना, ए, क्यों मार रहा इन्हें? मेरे परिवार को हाथ लगाया, इन्हें भेजा था ना, मेरे परिवार के लिए, भीमला नायक के परिवार के लिए। डैनी, मामा जी ने भेजा था, मैं कुछ नहीं जानता। ए, ये मेरे पापा ने किया है, इनकी पेमेंट तेरी अम्मा करेगी। माँ पे मत जाना। तेरी अम्मा का सिर्फ नाम लिया तो बड़ा गुस्सा आया, मेरे परिवार को हाथ लगाया तो मुझे कितना गुस्सा आएगा? और अब हाथ उठाता है बेशरम कहीं का। नायक, उन्होंने जो किया है तेरे मारने से ठीक हो जाएगा? खुद को पुलिस वाला समझ रहा है? पुलिस वाला दिख रहा हूँ क्या मैं तुझे? पुलिस वाला दिख रहा हूँ क्या? तू ही जला सकता है क्या? देख, अब मैं भी जलाता हूं। देख, जब मैं जलाता हूं तो कैसे चलता है? अभी तुझे तेरी औकात बताता है अपन, छोड़ूंगा नहीं तुझे। नायक, ए, रुको नहीं, नायक, क्या कर रहे हो? नायक, छोड़ो उसे, नायक, मेरी बात सुनो, छोड़ो उसे, नायक, मेरी बात सुनो नायक, सुगना को कुछ नहीं हुआ, सुगना बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी सही सलामत है, तुम जाके उन्हें संभालो, मैं यहाँ से देख लूंगा। तुम मेरी बात को समझो नायक, प्लीज, मैं हूँ ना, अगर उन्हें कुछ हुआ हो तो मेरा सर काट देना। अब जाओ, मेरी बात सुनो नायक, भरोसा करो, जाओ नायक, जाओ, इट्स ओके, रिलैक्स, तुम जाओ। याद रखना, मेरे हाथ चढ़ गया ना तू। अरे जा। यहाँ तमाशा चल रहा है क्या? जाके उन्हें अरेस्ट करो। चलो इनको भी। भाई मैं निर्दोष हूँ, चलो, मैंने कुछ नहीं करा। वो चिल्लाएगा तो डर जाओगे, उससे भी जोर से चिल्ला सकता हूँ। कौन है वो? बहुत बड़ी तोप है क्या? मामूली ऐसा ही है, सस्पेंडेड। डैनी, आज तक तुमने सिग्नल पर खड़े कांस्टेबल्स को और चेकपोस्ट पर खड़े पुलिस वालों को मैनेज किया होगा, लेकिन पुलिस की औकात को भूल गए तुम। असल में नायक पुलिस वाला ही नहीं है। एक शेर को पिंजरे में डालकर कंट्रोल किया जाता है, वैसे उसे यूनिफॉर्म पहनाकर कंट्रोल किया था और आज तूने उसे फाड़ दी। तूने देवरा का नाम कभी सुना है? नहीं सुना ना? वो देख, उसे जरूर पता होगा वो किसका नाम है, उसके पीछे की कहानी क्या है। इस शहर के कई लोग जानते हैं, लेकिन बात कोई नहीं करता।
इट्स लाइक अ सेक्रेट ओथ। डैनी, उसने तेरा हाथ मरोड़ा था ना, समझ ले मौत ने तुझे झकड़ा था। नसों में खून रुक जाता है, बीपी बढ़ जाता है, सांसें नहीं आती, इंसान तड़प कर मर जाता है। यही है नायक की टेक्निक, सो जस्ट बी केयरफुल। सीआई कोई कहानी बता रहा था किसी देवरा की, सीक्रेट ओथ के बारे में। नायक का उससे क्या ताल्लुक है? पंद्रह साल पहले यहां एक फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। इस गांव के बाहर उसने एक चेक पोस्ट लगाया था। उस दिन के बाद वो जो भी पेड़ दिखाई देता था उसे काट देता था। वो इंसान दिखाई दे तो उसे मजदूर बना लेता था, कोई लड़की दिखाई दे तो उसे उठा लिया करता था। एक दिन तिलारी गांव से वो तीन लड़कियों को उठा लाया था। मेरी आंखों के सामने वो तीनों बैठी थीं, आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी अचानक वो आया, सोमनाथ मास्टर जी का बेटा, 10 साल बाद लौट कर आया था। बस से उतरते ही उसने चेक पोस्ट पार किया। मैंने जंगल कटते हुए देखा, शेर को शिकार करते हुए देखा, लेकिन उस दिन मैंने कुछ और भी देखा था जो तुम सोच भी नहीं सकते।
तो इसकी लंका को जलाकर उसने भस्म कर दिया था और उन बच्चियों को हमारे हाथों में सौंप दिया था। उस कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ था? उसे मोटर गाड़ी से लिफ्ट दिया क्या? जंगल मतलब मां नहीं, जो तुझे सहती ही रहेगी, देवी है। अगर नजर उठी तो हर डाल तलवार बनेगी, हर पत्ता बाण बनेगा और हर पेड़ युद्ध करेगा। पौधे भी शामिल होंगे और घास का एक एक तिनका भी। कोयता बनकर ऊपर उठेगा, जो बीच में आएगा उसे काट दिया जाएगा। जो पेड़ फल दे उसे माँ कहते हैं, तो जिंदगी देने वाले इंसान को क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे ना। उसी पेड़ पर हमने कलावा बांधा, उसी पेड़ पर हमने तिलक भी किया और वहीं मंदिर भी बनाया। उसी दिन से हम सभी उसी जगह त्योहार मनाने लगे। साल पहले हमारे दादा परदादा के समय में देवरा नाम का महान इंसान पहाड़ों में रहता था। अगर कोई इंसान रास्ता भटक जाए, जानवरों से उसका सामना हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, वो सबकी ढाल बनकर खड़ा रहता था। और वही नाम हमने इन्हें दे दिया, महाबली देवरा। श्याम ने फोन किया था, धंधा करने को कहा तो देश के लिए मिलिट्री ज्वाइन कर ली, शादी करने को कहा तो शहर के बजाय जंगल से इस लड़की को उठा लाया। सोचा था दुश्मनी ठीक से निभाएगा तो अपने भाई को कस्टडी में भेज दिया। वहां उसे कोई भगवान कहता है तो कोई जानवर, पूजा करूं या पिंजरे में डालूं, आप ही बताइए। अपने आदमियों को भेजकर उसकी बीवी को उठवा ले तो काम हो जाएगा। आपको एसआई से प्रॉब्लम है तो इसमें औरतों को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। उसे रोकने के लिए आपको उसकी बीवी चाहिए, लेकिन अपने बेटे को समझाने के लिए बहू की जरूरत नहीं है आपको। आप एसपी के सामने झुक सकते हैं और इनको एसआई के सामने झुकने नहीं देते। मैं जानती हूँ आप चर्च में सर झुकाते हैं और हम लोगों को कोर्ट में झुकाने को कहते हैं।
उस दिन एमएलए साहब के कहने पर अगर हम वीडियो नहीं देते तो बात खत्म हो जाती। ए, क्या बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही है तू? देख रहा है तू, इसकी हिम्मत, बात करने की तमीज नहीं है इसे। प्रेग्नेंट हो ना तो बैठ कर बात करो, बेवजह टेंशन मत लो, बैठो। देख डैनी, सारे गरीब अच्छे होते हैं, पुलिस वाले सिंसियर। तुम सब लोग सपने में जी रहे हो, पछताना पड़ेगा तुम्हें। आप उन हार के भी जीत जाएगा, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाइए। जीतने का मतलब जान लेना, जान देना नहीं होता, गलती मानकर खुद को बचाना भी होता है। तू कॉम्प्रोमाइज कहेगा तो क्या लगा, कांग्रेचुलेशंस बोल के अंदर आ जाएगा? तूने जो काम किया है ना, उससे तू बात करने लायक नहीं बचा, अपना आदमी सोच के अंदर आने दिया था। बात वो नहीं है एक्चुअली। ए, तेरा बाप एमपी है, राजा नहीं है, ना तेरा घर किला है, चल। अब आप ही कुछ करिए। अरे तेरा मैं क्या करूं? हाँ, सच में सीरियस है क्या? सीरियस है तो हाथ पैर जोड़कर जज के सामने बिठा दूंगा, लेकिन उस भीमला नायक के पैर तुझे पकड़ दे होंगे। क्या घूर के क्या देख रहा है तू? पावर हो तो घमंड करना चाहिए, वरना चुपचाप खड़े रहना चाहिए। बोलिए सर। नायक के बीवी की बात कहां तक पहुंची? मेरे लोग उसी काम में लगे हैं सर। 20 किलोमीटर के एरिया में 2 साल के बच्चे और उसकी माँ को तो आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, जैसे वो वीरप्पन से भी बड़ी स्मगलर हो और मुझसे ट्राई करने की बात कर रहे हो। सर वो इलेक्शन कैंपेन के लिए फोटो भिजवा दो एसपी, हम देख लेंगे। देखिए, कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए एसपी नहीं जाते हैं, ऐसा ही जाते हैं वहां पर, लेकिन आपके लिए मैं खुद जाऊंगा। देखो अपनी पत्नी को कितनी प्यार भरी नजरों से देख रहा है। शादी का दिन है ना, हर कोई ऐसे ही देखता है। 10 साल के बाद देखने को बोलो, आंख और कान दोनों ही बंद हो जाए। नायक, मैं तुमसे ज्यादा झगड़ा करती हूँ इसलिए जंगल में लाकर बिठा दिया है क्या, या सचमुच में मेरे नाम का नोटिस जारी हुआ है? राम राम, कैसी बात कर रही हो? हाँ, वो राम भी ऐसे ही थे जो अपना वचन निभाने के लिए सीता को भी जंगल ले गए थे। वो तो भोली भाली थी इसलिए जंगल में रह गई। तुम होती तो इतना गुस्सा करते ही मुझसे ही झगड़ के चला चले। नायक, मैं क्या सच में झगड़ा लूं? हमेशा नहीं, कभी कभी। गांव वालों के लिए पुलिस ने सूचना जारी की है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, आप में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हम नायक की बीवी सुगना को अरेस्ट करने आए हैं, उसे अरेस्ट करने में आप लोग हमारी मदद कीजिए। उसे अरेस्ट करने के बाद हम चले जाएंगे, कृपया करके कोई बीच में नहीं आएगा। आप लोग जहाँ खड़े हैं वहीं पर रहिएगा। सुगना, तुम जहाँ भी हो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, हमें अच्छी तरह पता है तुम यहीं पर हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें एक्शन लेना पड़ेगा। नायक,
सुगना कहाँ है? कहाँ है? तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं तो तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा नायक। मुझे मजबूर मत करो। अरे डरे, लगता है तेरी बीवी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस काफी फास्ट काम करने लगी है अब। कहाँ है तेरा बेटा? घर में नहीं है। फोन कर। फोन कर कर। हेलो पापा। पापा नहीं, तेरा बाप हूँ। ए नायक, अगर वहां किसी को कुछ हुआ तो पहले ही बता रहा हूं, ढूंढ कर मारूंगा तुझे साले, चाहे तो कहीं भी हो। क्या कहा? ढूंढ कर तुझे मार डालूंगा। हाँ, कहीं और क्यों ऐसे मारकर यहीं बैठा हूं? नायक, नायक, अगर आपुन का बाप तेरे पास है तो तेरा बेटा आपुन के पास है। अगर तूने एक गोली चलाई तो आपुन दो गोली चलाएगा। मार दूं क्या? बता, मार दूं क्या? नायक जवाब दे, मार दूं क्या? मेरे बेटे को छू के दिखा, तू छू के दिखा। लेकिन जिसकी माँ को कैंसर हो और जिसकी बीवी पेट से हो, उन्हें मारने वाले टाइप का नहीं है तू। बच्चों को मार कर बदला लेने वाले टाइप का आपुन भी नहीं है। तुझे एक ऑफर देता हूँ, कल वही मिलते हैं। ना महाराष्ट्र ना कर्नाटक, ना रूल्स ना ही कोई पुलिस रोकेगी, सिर्फ मौत होगी, फुल स्टॉप। दम है तो आ जा। ये यहाँ पे क्या कर रहा था? कुछ ऐसा करो जिससे डैनी जीते, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। ए, जीतने वाला ही इतिहास लिखता है, और जीतने के बाद हम जो चाहें उसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
ए, देख मैं आ गया। ए, जिंदा या मर गया? अपने बेटे से ना मिलके सीधा अपुन से मिलने चला आया। I like it। तू शेर है तो मैं भी शेर हूं, समझा? हो जाए मुकाबला। सर कुछ कीजिए सर। दरवाजे से उसे नीचे गिराने वाला तू था, धोती उतार कर उसे अंडरवेयर में खड़ा करने वाला भी तू ही था। अब मुझे क्यों कह रहे हो? मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। उन दोनों में से एक मरेगा ये पक्का है, जो बचेगा उसे हम अरेस्ट कर लेंगे, पर जो खून बहेगा उसका जिम्मेदार तू ही होगा। ए, कहां गया वो? ए, उन्हें क्या मार रहा है? दम दो मुझे। गांव वालों, कल से तुम्हारे गांव का नाम कोई पूछे तो देवरा वेवरा गलती से भी मत कहना। जैसे कुरुक्षेत्र है ना, अब ये डैनी क्षेत्र है। भीमला का सर, नायक का खून, ऐसा ही कोई नाम रख लो। अरे नायक, कहते हैं सबको भगवान बचाता है, तू तो इनका भगवान है, अब तुझे कौन बचाएगा?
ये लोग गलत फहमी में जी रहे ले। संभालो अपने आप को। ए, दोबारा मरना है क्या? वो देखो, ऐसा लगता है जैसे भगवान पहाड़ों से चलकर बस्ती में आए हो। सबकी रक्षा करने, पापों का विनाश करने। अब देखते हैं कि इनका कौन सामना करता है। पानी गले से ऊपर हो गया है, अब होगा यहां तांडव, विनाशकारी तांडव। मार डालो उसे। आज ऊपर वाले के अलावा तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, उसे मार डालो। हाँ, मार दो उसे। आजा, उठ मीने, उठ। भीमला का सर करना था ना, कहा था ना नायक मतलब हीरो। कल से इस गांव को क्या कहेंगे पता है ना तुझे? भीमला का अड्डा, नायक का डंडा, फांसी का फंदा, लहराए झंडा, नायक मतलब हीरो। बेटी, भैया, भैया, अरे, मत मारो, बेटी मेरे रुको, आना, अब बता मुझे, बेटी, बता, चलो पीछे चलो, बेटी मेरी बात समझने की कोशिश करो, आगे बच जाओ, मैं बताऊँ अब, नायक, बेटी, आपने कहा था संकट आने पर मदद करूंगा, मुझ पर संकट आया है भैया, मुझ पर संकट आया है, मेरी मदद करो ना। आपने मेरी जान बचाई थी, अब उसी जान को आप वापस ले रहे हो भैया। आपने वादा किया था कि जीवन भर मैं तेरा साथ दूंगा, और आज मेरा सुहाग उजाड़ने चले थे भैया, वो मेरे पति है भैया। मेरी बहन, तुम यहाँ? जंगल की माँ ने मुझे सद्बुद्धि दी, संकट आने पर मैं अपने खुद को समर्पित कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। Ah!
जंगल की माँ ने मुझे सद्बुद्धि दी। संकट आने पर मैं अपने खुद को समर्पित कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। ये तेरा पति है, ये तेरा पति है बहन। भैया, भैया। अबे एमएलए एमपी का नंबर नहीं, मेरी बहन का फोटो रखा होता ना, उसी दिन छोड़ देता तुझे साले। भैया। बादे से मुकर गया हूं मैं बहन, माफ करना मुझे, ये गलती माफ कर देना, एक गलती माफ कर देना मेरी। लेकर जा, सुखी रहो, ठीक रहो, लेकर जा, जा। उसने जंगल में आके तुम्हारी जान बचाई थी, यही है वो? आज भी मेरे भैया ने मेरी रक्षा की है, अब आप क्या करेंगे बताइए? डैनी ने तुम्हें कोयता से मारा था नायक? नहीं सर। तो फिर? मार्केट में ध्यान नहीं दिया सर, कीला घुस गया था सर। कीला? कीला। दोनों तरफ कीला कैसे घुस गया? दोनों बार ही ध्यान नहीं दिया सर। ये थोड़ा सा रेकलेस है सर। हाँ थोड़ा सा सर। सर आप उन एल्कोहलिक है सर, रात को पूरी बोतल उतारे बिना अपन को नींद नहीं आती। उस दिन खुद अपन ने ही कहा था कि अगर पीऊंगा नहीं तो फिर मर जाऊंगा। सुना था पीने से लोग सो जाते हैं पर ना पीने से मर जाते हैं क्या? अपन उसको झूठ बोला था सर। तो फिर उसने क्या किया? अपन की बात सच मानकर उसने पैक बना दिया। उसे पी के तुमने बच्चे का किडनैप किया? नहीं सर। तो फिर? वो जिस दिन मेरी वाइफ अरेस्ट हुई थी उसने मेरे बेटे को संभाला था सर, वन नाइट, एक रात के लिए। जैम ऑफ अ पर्सन सर। सर पूरी रात उसकी मानी थी तो उसके बच्चे का ध्यान भी आपने रखा। कितना अच्छा इंसान है तू, गोद में उठाने वाले बच्चों को किडनैप करते हैं। वैसे अच्छी लाइटिंग करके वीडियो बढ़िया बनाई, ये कैसे हुआ? कॉलिंग की जगह वीडियो का बटन दब गया होगा। सुनो सर, मैं इस कुर्सी पर कितने सालों से जज बनकर बैठा हूँ? 20 सालों से सर। 20 ईयर्स, 20 साल, 20। मुझसे बात करो तो थोड़ा सोच समझ कर बात करो भैया। ये ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं सर। सर मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है, सही कह रहा हूँ? मैं भी कई बार सर अपने फोन से इस तरह की गलती कर चुका हूँ। ओहो तुम लोग खूब अच्छी प्लानिंग करके आए हो, मेरे सामने इतने झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हो। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? आपको विश्वास तो करना पड़ेगा ना सर। अरे बच्चे लोग हैं सर। ओ बच्चा है सर। हाँ बच्चों का बाप है सर।
हर लुच्चा जब मेरे सामने बैठा होता है तो बच्चा ही दिखाई देता है, क्या करें। अब तुम लोग मुझे कभी दिखाई मत देना, भागो यहां से। क्या हुआ? मुंबई पुलिस। बड़े सर ने बुलाया था तो हुआ। कौन? आईजी सर? उनसे भी ऊपर। तो इस सर से क्या काम है? शहर के बड़े लोगों से मिलना अच्छी बात होती है, इसीलिए। बड़ा आदमी लगता है, गलत फहमी हुई है बॉस। डैनियल शेखर। भीमला नायक। लास्ट टाइम जो बोला वापस बोलो। नायक का मतलब हीरो। हीरो।